हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में आपको हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की डिफिनीशंस और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल कराए थे। आज भी उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जांपल्स उसी पे बेस्ड हैं, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और बने। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, उसको हम सॉल्व कराते हैं, आप समझिए। क्वेश्चन वन है कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, रिलेशन आर एक सेट ऑन अ सेट ए लिखा है, ठीक है। रिलेशन ऑन सेट ए अगर लिखा रहे तो ये देखिए, रिलेशन ऑन सेट ए मीन्स होता है कि फर्स्ट सेट भी ए है और सेकंड सेट भी ए है। अगर लिखा रहेगा रिलेशन ऑन सेट फ्रॉम ए टू बी, मीन्स ए होगा यहाँ बी होगा। अगर सिंपली क्यों लिखा है रिलेशन ऑन सेट ए, मीन्स सेकंड सेट भी ए है। तो यहाँ लिखा है रिलेशन ऑन सेट ए और ए का दिया हुआ है 1 से लेके 14 तक, और किस तरीके से रिलेशन डिफाइंड है वो आपके सामने है। तो x होता है फर्स्ट सेट का एलिमेंट जो कि a ही है, y भी होता है सेकेंड सेट का एलिमेंट जो कि a ही है। तो x y की हमें कुछ वैल्यूज ऐसी लेनी है जो 3x - y = 0 को सेटिस्फाई कर दे। ये देखिए r की वैल्यू, अगर x के प्लेस में हम 1 लेते हैं तो 1 × 3 3, तो y के प्लेस पे क्या लें कि ये रिजल्ट हमारा 0 आए, बिल्कुल सही 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ 1 पुट करेंगे यहाँ 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। देखिए 1 पुट करेंगे अगर यहाँ तो 3 × 1 माइनस वाई की जगह 3 पुट करेंगे तब ना 3 - 3 0 आएगा। तो 1 का रिलेशन किससे है, 3 से है। आइए चेक करते हैं 2 का रिलेशन किससे है, तो 2 यहाँ पुट कर देते हैं तो 2 × 3 = 6, तो यहाँ आ गया 6। अब वाई के प्लेस पे क्या रख दें कि 6 आ जाए, अरे क्या रख दें कि 0 आ जाएगा, तो 6 रखेंगे। तो 2 का रिलेशन किससे, 6। 3 का रिलेशन किससे, 3 × 3 = 9 - 9 9 से। 4 का रिलेशन किससे, एंड सो ऑन, है ना 14 तक है ना, 4 × 12 ना। और 5 का रिलेशन 5 × 3 = 15, 15 से होगा बट 15 इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन सेट, सो ये रिलेशन सेट इतना ही होगा। 1 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 9 से, 4 का रिलेशन 12 से। चलिए अब चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या बताए थे कि सेट का एवरी एलिमेंट अब इट्सेल्फ रिलेटेड हो। जैसे 1 हम लिए तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। 1 1 क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, 1 1 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक एग्जांपल दे दिए। अभी स्टूडेंट्स आपको हम आगे बताएंगे कि अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आप एग्जांपल देंगे, बट अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो आप एग्जांपल नहीं देंगे, उसको प्रूव करेंगे। आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। आइए सिमेट्रिक चेक किया जाए। अच्छा यही पहला एलिमेंट उठा लीजिए, 1 3 R में है, 1 3 R में है, बट इसका रिवर्स करते थे ना 3 1, क्या 3 1 इसमें है, नहीं है। तो सिमेट्रिकल हम लोग पढ़े थे ना, अगर ए बी आर में हो तो बी ए बी आर में होना चाहिए, तो यहाँ 1 3 R में है, 3 1 तो R में है नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आइए ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में ऐसा एलिमेंट उठाएंगे जो क्या होना चाहिए, जहाँ से एंड करे वहीं से स्टार्ट हो। तो 1 3 3 पे एंड किया, 3 से कौन सा स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, तो इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई 1 3 भी R में है एंड 3 9 भी R में है, 3 3 हटा दें, ये फर्स्ट और इसका लास्ट, क्या 1 9 R में है, चेक करा जाए, 1 9 R में नहीं है, तो 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है, देखिए और क्लियर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। लिखा है रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिफाइंड एज रिलेशन एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। ये देखिए एक्स वाई का रिलेशन अब ऐसे दिया है, लेकिन बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू 4 से वाई कम होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला तो आप सेट ढूंढा करिए, रिलेशन आर ऑन सेट एन मतलब रिलेशन एन से दूसरा सेट है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, यही होगा रिलेशन ऑन सेट। तो एन नेचुरल नंबर है 1 से लेकर इनफिनाइट तक कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि एक्स की वैल्यू आप 4 से कम लेंगे, ठीक है।
तो अब चलिए हम लोग रिलेशन सेट बनाते हैं। एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, 4 से कम 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ही होता है। तो एक्स की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। चलिए अब अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो क्या इस 6 इसमें है, तो 1 का रिलेशन किससे बनेगा, 6 से बनेगा। एक्स की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो 2 + 5 वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 7। 7 इसमें पहला एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 3 + 5 8। 3 का रिलेशन किससे बन गया, 8। एक्स की वैल्यू 4 ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि एक्स इज लेस देन 4। सो रिलेशन सेट हमारा बन के कम्प्लीट हो गया। अब आइए हम चेक करते हैं कि सेमेट्रिक है कि नहीं। पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लें, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब बताइए आप, क्या यहाँ 1 1 2 2 3 3 कुछ है, 1 1 ही नहीं है, तो बता देंगे देखिए नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। आइए सेमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सेमेट्रिक में 1 और 6 आर में है, बिल्कुल है, बट क्या 6 1 आर में है। अगर जो एलिमेंट हम लेंगे उसको रिवर्स भी तो करके चेक करते हैं, तो 1 6 आर में है, क्या 6 1 आर में है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आई होप अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग का और क्लियर हो रहा होगा। जितने एग्जांपल लगाएंगे उतने कॉन्सेप्ट आपका बढ़ता चला जाएगा, उतना ही कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जाएगा। ट्रांजिटिव में देखते हैं, जहाँ से इंड करे वहीं से लेते हैं ना। 1 6 देखिए, 6 से कोई इंड कर रहा है, 6 से कोई इंड किया नहीं। 2 7 7 से इंड किया ना, 7 से कोई स्टार्ट हो रहा है, जैसे 1 6 पे इंड किया, 6 से कोई स्टार्ट नहीं। 2 7 7 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। 3 8 पे इंड किया, 8 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो हम बताए थे कि कल के वीडियो में AB और BC दोनों बिलोंग करना चाहिए। यहाँ AB बिलोंग कर रहा है, BC मिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव है या नहीं है। बिल्कुल उस केस में भी ट्रांजिटिव होगा, ये याद रखिएगा। यस, आर इज रिलेशन इज ट्रांजिटिव। जब हमें केस मिल ही नहीं रहा है तो उसको डिनाई नहीं करेंगे। कल के वीडियो में आप इस चीज़ को सीखे हैं, ट्रांजिटिव है ना। 1 6 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 6 का फर्स्ट एलिमेंट 6 वाला कोई है ही नहीं। 2 7 7 फर्स्ट एलिमेंट वाला कोई है ही नहीं। 3 8 8 फर्स्ट एलिमेंट वाला कोई है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, अरे सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं और ट्रांजिटिव है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ये देखिए आ गया, ये आ गया क्वेश्चन। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ भी हमारा फर्स्ट सेट ए है, सेकंड सेट भी ए है और डिफाइन ऐसे है। चलिए अब यहाँ चेक करना है आपको, अगर होगा तो प्रूव करना है, नहीं होगा तो एग्जांपल देना है। पहले रिफ्लेक्सिविटी देखिए, बोल रहा है एक्स वाई कैसे कनेक्टेड है, इसको पढ़िए। कह रहा है वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी में क्या करते हैं, जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ भी लिखते हैं। तो ये बताइए, कोई नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 4 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो रिफ्लेक्सिविटी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एग्जांपल नहीं देंगे, इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने में स्टेटमेंट लिख देते हैं, देखिए कैसे। हम क्या लिखेंगे कि सिंस एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ए का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इन सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कोई एक्स की वैल्यू 1 ले सकता है तो 1 इज डिविजिबल बाई 1, कोई एक्स की वैल्यू 2 ले सकता है तो 2 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो सिंस एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स एक्स एक्स तो आर में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक्स वाई आर में है और वाई एक्स से डिवाइड हो रहा है तब है। तो ऐसा कोई भी पेयर जिसमें दूसरा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होगा वो सभी कहाँ जाएंगे, आर में। तो एक्स एक्स आर में गया, और एक्स एक्स आर में इस टाइप के एलिमेंट जाए एक्स एक्स वाई वाई ए ए, तो इसका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो आर मीन्स ये रिलेशन
आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए, ये लिख देना होगा। सिमेट्रिक, पहले आप सोच लीजिए, देखिए एग्जांपल से सोच लिया करिए कि है कि नहीं है। अब बोल रहा है कि ये अगर एक्स वाई है, वाई इज डिविजिबल बाय, मतलब दूसरा एलिमेंट डिविजिबल है पहले एलिमेंट से, तो क्या इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या ये पॉसिबल रहेगा हमेशा? बोलिए, ये सोचिए, जैसे अगर हम लिखें 2,6, आप बताइए क्या 6 डिविजिबल है 2 से? 6 इज डिविजिबल बाय 2, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो, ये रिलेशन यहाँ आपको समझना होगा। तो है तो ये R में है, बट इसका रिवर्स करिए 6 2, क्या 2 डिविजिबल है 6 से? 2 इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 6, तो 6 2 तो R में जाएगा नहीं, तो क्या हो गया, R इज नॉट सिमेट्रिक ऑन सेट A। कोई कंफ्यूजन? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखते हैं। देखिए ट्रांजिटिव ये हो जाएगा, आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए। देखिए पहले एग्जांपल से हम आपको दिखा दें, देखिए 2,6 ही लिए थे ना, 2,6 ही लिए थे ना, एकदम आर में जा रहा था, तो 6 से एंड किया तो 6 से स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ 6 से ऊपर का एलिमेंट यहाँ कोई है नहीं, तो यहाँ हम 2,2,2,1 कुछ और एलिमेंट ले लेते हैं, चलिए हम अब ले लेते हैं 1 और 2, आर में है बाई 2 और 2 और 4, ये भी आर में है, 4 इज डिविजिबल बाई 2, तो ये फर्स्ट और इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट गया, बचा क्या 1 और 4, 4 इज डिविजिबल, ये भी देखिए ये भी आर में आ गया, तो ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है तो अब आपको एग्जांपल नहीं देना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता है कि प्रूफ डैट, ठीक है, तो अगर प्रूफ करने के लिए आए तो सिंपली लिख दीजिए, अगर चेक करने के लिए आए तो थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको सोचना पड़ेगा। आते हैं अब ट्रांजिटिव, इसमें प्रूफ करना है, तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। ट्रांजिटिव प्रूफ करने में आपको हम बताए थे ना कि ए बी या एक्स वाई जो भी लिख लें, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये तो सपोज करते थे। अब बताइए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स जेड अगर आर में आ जाएगा तो ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए देखते हैं। अच्छा बताइए एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब क्या कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स? अगर आर में है तो ये फॉलो करेगा कि भाई सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए। और यहाँ देखते हैं वाई जेड आर में, इसका मतलब क्या, जेड इज डिविजिबल बाई आर, अरे जेड इज डिविजिबल बाई वाई, सेकेंड एलिमेंट इस यहाँ से डिवाइड हो गया। अच्छा अब आप सोचिए कि वाई अगर एक्स से डिविजिबल है, मतलब वाई को एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आ रहा होगा रिजल्ट, हम सपोज कर लेते हैं पी आ रहा है इंटीजर, और जेड डिविजिबल है वाई से, तो जेड को जब वाई से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ भी आएगा रिजल्ट, तो क्यू मान लेते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वाई बाई एक्स का जब हम जेड बाई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पी क्यू आएगा, दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई किए वाई वाई कैंसिल, तो रिजल्ट हमें क्या मिला कि जेड बाई एक्स क्या आ गया, पी क्यू, मतलब जेड को एक्स डिवाइड कर रहा है, रिजल्ट में कुछ आ रहा है इंटीजर ना, तो इसका मतलब जेड इज डिविजिबल बाई एक्स, यहाँ लिख ले रहे हैं, तो जेड इज डिविजिबल बाई एक्स, जेड इज डिविजिबल बाई एक्स, और जेड अगर एक्स से डिविजिबल है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर में जाएगा, एक्स जेड आर में आ गया, ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। अभी दो क्वेश्चन और हमारे पास, हम कल के वीडियो में भी एक दो क्वेश्चन कराएंगे, फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अब आ गया यहाँ, ये देखिए आपको क्लियर कट बता दिया है, सो डैट द रिलेशन आर ऑन सेट आर, ये देखिए आर रिलेशन वाला है और ये आर रियल नंबर वाला है। बुक वगैरह में देखेंगे तो इसको डार्क लिख देता है, तो जो डार्क आर लिखा है मतलब वो आपका रियल नंबर है, डार्क एन लिख देगा नेचुरल नंबर है ना, डार्क में लिखा है। तो आप देखिए
हम लोग कॉपी पे जब लिखते हैं तो डार्क नहीं करते हैं, हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, ये लाइनें ड्रॉ करते हैं, स्क्रिप्ट आर इसको बोलते हैं। तो सो ये रिलेशन दिया है और कह रहा है कि यह तो न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, न तो ट्रांजिटिव है, कह रहा है तीनों नहीं है। अब सोचिए, अगर ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसका मतलब आपको एग्जाम्पल को सोचना होगा ऐसा जिसमें आप बता सकें, देखिए नहीं है। चलिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव का एक एग्जाम्पल सोचते हैं। यहाँ जो एलिमेंट लेंगे वही एलिमेंट यहाँ लेंगे, तभी तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। कुछ ऐसा एग्जाम्पल सोचिए जो इसको फॉलो कर दे। अच्छा पहले एक चीज़, हम यहाँ कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, आप बताइए हम स्टेटमेंट ट्रू लिख रहे हैं कि फॉल्स। टू लेस देन इक्वल टू 4, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये बोल रहा है कि 2 या तो 4 से लेस है या तो इक्वल है, तो दोनों में से एक बात तो सही ही है, लेस है, तो दोनों में से अगर एक बात सही है तो वो स्टेटमेंट ट्रू होता है। चलिए देखते हैं, अब देखिए 1/2 अगर हम ले लें, भाई रियल नंबर का सेट है तो कुछ भी ले सकते हैं, अपॉन में, माइनस में, रूट में, तो 1/2, 1/2 देखते हैं क्या आर में जा रहा है, तो 1/2 1/2 यहाँ रखेंगे, मतलब यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। बताइए 1/2 1/4 से छोटा है? नहीं है। 1/2 1/4 से इक्वल है? नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो 1/2 यहाँ यहाँ रखने पे ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब 1/2 1/2 आर में नहीं बिलोंग करेगा। तो देखिए कर रहा था रिफ्लेक्सिव नहीं है, प्रूव करिए, हम एक एग्जाम्पल दे दिए, ये देखिए साहब 1/2 1/2 आर में नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए सिमेट्रिक सिमेट्रिक खोजते हैं, ये देख लीजिए सिमेट्रिक है कि नहीं देख लिया जाए। ये अब सिमेट्रिक में पहले तो एक एलिमेंट ऐसा खोजिए जो बिलोंग करे, फिर उसका रिवर्स ना सोचेंगे। तो लेट -1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, कैसे बिलोंग कर रहा है? ये रिलेशन हम लोग का क्या है, ए लेस देन बी स्क्वायर ना, यहाँ रखिए ए के प्लेस पे -1 रखिए और बी के प्लेस पे 3 रखिए, तो -1 3 के स्क्वायर 9 से छोटा नहीं है? बिल्कुल है, तो ये बिलोंग कर रहा है। अच्छा इसका रिवर्स करके देखा जाए, 3 -1 मतलब ए के प्लेस पे 3 रखिए और बी के प्लेस पे -1, तो 3 -1 का स्क्वायर 1 आएगा। 3 1 से छोटा है? नहीं है। इक्वल है? नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो देखिए सिमेट्रिक भी नहीं हो गया। करा था प्रूव करिए, नहीं है, तो एक एग्जाम्पल हम बता दिए, देखिए वह -1 3 आर में कर रहा है लेकिन 3 -1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है ना। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव अब देखिए ट्रांजिटिव में ऐसा आपको दो एग्जाम्पल खोजना होगा, वो भी कैसा एग्जाम्पल, मतलब ए बी आपको आर में बिलोंग कराना होगा, बी सी आर में बिलोंग कराना होगा, तब ए सी के बारे में सोचना होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? पहले तो इफ कंडीशन आपको फॉलो करना होगा ना, तो उसके लिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए लेट हम सपोज कर लिए कि 2 -3 आर में बिलोंग कर रहा है, पहले चेक कर लीजिए क्या 2 -3 आर में, ये तो हम अपने से लिख रहे हैं ना, आपको और भी एग्जाम्पल अपने तरीके सोचना होगा, ये हमारे दिमाग में आए हम लिखे, आपके हो सकता है दिमाग में कोई और एग्जाम्पल आए। देखिए 2 -3 पहले यहाँ रखिए, 2 -3 -3 का स्क्वायर 9, 2 < 9 सही बात है कि नहीं है? अब दूसरा ऐसा बिलोंग करना है जो -3 से स्टार्ट हो, तो -3 1 ले लेते हैं, -3 1 ये भी आर में बिलोंग करेगा, यहाँ चेक कर लीजिए a < b² है ना, तो a की वैल्यू -3 और ये 1, तो 1 के स्क्वायर से -3 तो छोटा है ही। अब ये देखिए सेम होना चाहिए, अब हमें चेक करना है क्या ये फर्स्ट और इसका लास्ट ये क्या आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो 2 और 1, अब यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ, तो 2 < 1 स्क्वायर, 2 छोटा भी नहीं इक्वल भी नहीं, बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये देखिए हम एग्जाम्पल दे दिए आपको ऐसा कि नॉट ट्रांजिटिव हो गया। आई होप कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा होगा, अगर नहीं बन रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार और देखें, फिर भी नहीं हो अगर समझ में आ रहा है तो कल भी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। देखिए जितना एग्जाम्पल देखेंगे समझेंगे अपने से सॉल्व करेंगे तभी क्लियर होगा। आप सोचें एक वीडियो देख के आपको समझ में आ जाए तो
ये थोड़ा सा पॉसिबल कम है ना। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना है भाई, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है क्या नहीं है बताइए। ये देखिए, ये तो देखते ही समझ में आ जा रहे, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ रहता है वही एलिमेंट यहाँ रखते हैं ना, यहाँ एक्स रखेंगे तो यहाँ भी एक्स है। एक्स इज़ फादर ऑफ एक्स, कोई अपने आप का फादर हो सकता है? अच्छा बिल्कुल नहीं। अच्छा यहाँ लिखें एक्स वाई बिलोंग्स टू वन आर सी, मतलब एक्स वाई जो है वो किसी सिटी के एलिमेंट हैं। तो कोई एक आदमी अपने एक्स इज़ ए फादर ऑफ एक्स हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा हम मान लेते हैं जैसे, ठीक है राजू, एक्स के प्लेस पे हम राजू लेते हैं, ठीक है, और वाई के प्लेस पे काजू लेते हैं। अब ये हम सपोज कर लिए कि रिलेशन में है, मतलब एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, मतलब राजू इज़ फादर ऑफ काजू। बट अगर राजू इज़ फादर ऑफ काजू, तो क्या काजू इज़ फादर ऑफ राजू होगा? नहीं, काजू तो सन होगा। तो काजू राजू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका रिवर्स तो किया नहीं। अरे यहाँ सिमेट्रिक हम लिख दिए, सॉरी दिस इज रिफ्लेक्सिव, सो सॉरी, यहाँ चेंज किए तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि चेंज करने पे आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव का केस देखते हैं। अब इसमें दो केस मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में तो दो केस देखते हैं ना, चलिए। ए इज फादर ऑफ बी, कोई पर्सन है बी के फादर हैं, ठीक है, और हो सकता है बी भी किसी का फादर हो। बी इज फादर ऑफ सी, मतलब हो सकता एक ग्रैंड फादर, यहाँ आप आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं ग्रैंड फादर। आप अपने आप को अगर सन सपोज करिए तो आपको क्लियर होगा, ग्रैंड फादर ए, फादर को बी सपोज करिए ये सी। तो देखिए ए इज फादर ऑफ बी, बिल्कुल सही है, ए बी आर में है। बी इज फादर ऑफ सी, बिल्कुल सही है, तो बी भी कैंसिल होगा ए सी। क्या ए इज फादर ऑफ सी होगा? नो, ए इज ग्रैंड फादर ऑफ सी होगा, तो ए सी आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। स्टूडेंट प्लीज़ आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए पढ़ें, विदाउट कॉपी पेन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आता है, ठीक है। कल के वीडियो में कुछ बोर्ड क्वेश्चन के साथ इसी पे बेस्ड हम मिलते हैं और एकाक आगे का टॉपिक भी पढ़ाएंगे। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।